ज़्यादा लदे हुए हैं, दो पेड़ है, तीन, इतने बारी बारी पेड़ है ये, और इन पे बहुत अच्छे अमरूद लगते हैं। एक आधा पक्का भी होगा, देखिए मैंने सुबह ही तोड़ के खाए थे। इधर अंदर ये तो देख कितने, अनु ये देख इधर, ये पीला हो रहा है, देख ये खुशी खा के देख, ये पीला है, खा के देख नरम है बहुत। हेलो कैसा है इसको दिखा खाते को। ये देख नींबू हलाऊंगी तो मेरा पड़ेंगे, देखो ये लाते ही गिरेंगे, देखो नींबू की बरसात हो गई। मोटे मोटे एक बार पेड़ लाते ही गिर जाते हैं, देखो सर्दी का टाइम है, अभी नींबू का क्या काम है, इतने भारी भारी संतरा जैसे। और ये अमरूद छोटे छोटे हैं, पकने के बाद बहुत मस्त। हाँ ये पड़ा है, दे कौन खाएगा इनको। इस पेड़ पर ना लग रहे अनु, छोटे छोटे इस पे बहुत ज्यादा छोटे हैं ना, उस पे ज्यादा बड़े हैं, उस पे देखा दस ही। ये देख कैसे आराम से बैठा है, ठंड लग रही है लेकिन ये गर्म है, इतनी सर्दी है लेकिन ये देखो इसका सिर बहुत गर्म है, बड़ा निवाय हो रहा है ये तो। ओढ़ के बोरी ये हमारी भैंस, दो भैंस है हमारी, दूध देती है बाल्टी भर के। हाँ मजे ही मजे है। और ये जामुन का पेड़, ये इतना बड़ा जामुन का पेड़, बहुत ज़्यादा जामुन लगते हैं, इस पर खाए भी नहीं जाते। ये फ्रेंड्स ये अंजीर का पेड़ है, ये देखो अभी दोबारा फूटने लग गए, सूख गया था बिल्कुल, ये बिल्कुल सूख गया था, और अब देखो ये अंजीर था, ये देखो कैसा हो गया, इसकी हालत ख़राब है, पत्तियाँ भी टूट चुकी है सारी, सूखा सूखा लग रहा है, लेकिन अंजीर अभी भी लगा हुआ है, ये देखिए खराब हो गए ये, टूट गया, दोबारा से हरा हरा हो गया, देखो ये अभी फिर से पत्ते आएंगे इस पर, फिर लगेंगे फल। और ये नीचे पड़े कितने, ये देखिए ये किस चीज़ का पेड़ है, ये धतूरे का पेड़ है, ये सिर्फ गाँव में मिलते हैं। हाँ गाँव में मिलते हैं, ये शहर में कहाँ मिलते हैं, ये चीज़ें काटे हैं इस पर काटे। और ये किस चीज़ का पेड़ अनु, ये सीताफल का पेड़ है, सीताफल, मैं इसे अमरूद सोच रही थी। ये सीताफल का पेड़ है, देखो इस पर लगते हैं, हाँ काफ़ी लगते हैं, अच्छे अच्छे मोटे मोटे, ये देखिए काफ़ी स्वाद होते हैं, पकते हैं पूरे पीले हो जाते हैं। और पेड़ और दिखाओ, अपने पेड़ कौन से, मैं तो नाम ही ना पता हूँ आधा को। और ये हमारी हेज डिज़ाइन में कटी हुई है, हाँ ये शेप में काट रखी है, अब थोड़ी सूख सी गई है ये सर्दी में, ये किस चीज़ का, ये मौसमी का पेड़ है, ये मौसमी बिना कांटे वाली मौसमी, इसमें कांटे नहीं, अलग से होती है, इतने नहीं है पर हैं इसमें। हमारे घर में पूरा बाग है, सब तरह के फल मिलेंगे इसमें। पीछे भी चलना। और ये किस चीज़ का पेड़ है, ये ऐसे ही शोकिया है, शोकिया है ये बस, अच्छी कोई फ्रूट का है। और ये है इसका है, ये आड़ू का पेड़ है, इसके अंदर फ्लावर आते हैं, ये देखो कितने सुंदर फूल है, ये बहुत सुंदर लगते हैं, वैसे पत्ते नहीं है, सूख गए ज्यादातर, जड़ गए पत्ते तो। और ये किस चीज का पेड़ है, इसके अंदर एक फ्लावर आता है जिसको पैराडाइज कहते हैं, बहुत बड़ा फूल आता है, ये साल में एक बार खिलता है, अच्छा बहुत मुश्किल से पाया जाता है ये। और ये तो वो है, वो कंगा पाम बीजना उधर होता है केरला साइड में, ऐसे बीजना सा घुमाए फिरते है ना, वो है। और ये भी एक शोकिया है, और ये मनी प्लांट सा है कुछ, ऐसे कैसे हो गया, ये सूख गया, मनी प्लांट को सूखने मत दिया करो, ये तो खराब हो गया, खराब हो गया नहीं। और ये किस चीज का पेड़ है, ये तो ऐसे ही है, और ये भी ऐसे ही है, शोकिया है ये देखिए ये कितना बड़ा हो रहा है ये। और ये देखो कितना सुंदर, इसमें सारी बार पानी जाता रहता है ना, तो ये सबसे ज्यादा हरा है, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर, प्यारा प्यारा एकदम, फोटो खींच मेरी, ला मेरी वीडियो पर, हाँ एक तो वैसे ही है और एक आम का, अच्छा एक आम का
आम का जो ऊपर जा रहा है, ये नीचे ऐसे ही है देखो, बहुत सुंदर लगते हैं ये। कौन से है ये? ये पपीता का। हाँ ये पपीता के पेड़ है, इसके अंदर दो जुड़वा लगती है, एक तो लगती नहीं है। इस पे भी देखो फल आ गए हैं, ये दिख रहे, इसमें फूल आ गए, पपीता लग जाएंगे इसमें कुछ दिन बाद। ये भी फूल का है, ये बड़ा है, वो छोटा है। तो अभी हम घर के पीछे जा रहे हैं, सामने वाला कैमरा कर ले। ये आ गया चीकू का पेड़, और ये देखिए कितने चीकू लगे हुए इस पे। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितने चीकू इस पे लगे हुए हैं। बहुत ही प्यारा सा है ये, लेकिन ये कब तक लगे ही रहते, लगे ही रहते, लगे ही रहते, पकते ही नहीं है। है ना, कितना बड़ा पेड़ हो गया देखो, ऊपर तक है वो चीकू। कितना सुंदर लगता है। हाँ, वो चीकू देख कितना बड़ा है पूरा, पकता ही नहीं है। ये चीकू कैसे पकते हैं पता ना? ये गेहूं में दबा के फिर उसके बाद कुछ दिनों तक दबा के रखते हैं, फिर गर्मी से पक जाते हैं, पेड़ पे ना पकते ही। और ये अशोका के पेड़ हमारे सामने भी देखे होंगे आपने, और ये बैक में भी है पीछे, घर के पीछे। कितने लंबे हैं, कितने ऊंचे हैं, ये घर की छत तक गए हुए हैं। और ये अनार का पेड़ है, अनार हमारे घर में कम है। सबसे कम अनार, अमरूद सबसे ज्यादा है, अनार कम है। और ये बाबू गोसा। अच्छा, ये बाबू गोसा का पेड़ है, ये कब लगाया था? ये काफी दिन हो गए, जहाँ पे आम का पेड़ था पर वो खराब हो गया। ये अशोका के देखो, इतने बड़े बड़े हमारे घर में पेड़ है अशोका के। और ये पीछे चाकी गंडा सा। हमारे घर का व्यू कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताना, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। अब वीडियो का हम यही एंड करते हैं, दूसरी वीडियो यहीं से शुरू कर देंगे।